जैसे आपने लास्ट मेरा ब्लॉग देखा होगा ना, तो उसका ये पार्ट टू है। लास्ट ब्लॉग में अब तक आपने देखा है कि जीपी ब्लॉग सबसे हॉन्टेड प्लेस है इस इंडिया में, और आप नेट पे भी गूगल पे भी सर्च करना इसकी हिस्ट्री, आपको पता लगेगा। तो हम क्या है, हम तीन दोस्त जाते हैं दिन में, पहले उसका मुआयना लेते हैं जगह का क्या है क्या नहीं। और अब अगले दिन मैंने सोचा कि अपने को ना नाइट स्टे करना चाहिए, फिर हमने उसी दिन नाइट स्टे करा पूरा, और हमने तहकीकात करी भाई सही में भूत दिखता है, क्योंकि वहाँ दो बहुत ज्यादा फेमस कहावत है, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को ही मिलेगा। तो मैं बस यही बोलूंगा कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखो, उसके बाद पार्ट टू देखो, और ये जीपी ब्लॉग में कभी मत जाना गाइज, आपको पता लग जाएगा क्या है असली जीपी ब्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो गाइज अभी अपन ने खाना वाना पूरा खा लिया यहाँ से, और अब अपन निकलते हैं अपने काम को अंजाम देने। चलो भाई रात का काम का अंजाम देखते हैं, डर लगता है कि क्या होता है। इसके सर में ना दर्द हो रहा था, ये देखो मोबाइल की दुकान में चला गया। नितिन ने भेज दिया, ओ मूड आके चला भी गया वापस। देखो लड़की कैसे थी, कुछ नहीं है, तो मोबाइल की दुकान कैसे चला गया भाई। तो अब गया ये लेने, देखो तो आज का शूट कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है, सबको प्रॉब्लम आने लगी है पहले ही। तो फरमान लिया, दवाई लिया भाई, दी गई खा ले भाई, पांच मिनट रिलैक्स करते फिर चलते। सो भाई फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसमें अपन अब करेंगे हॉन्टेड व्लॉग शूट। रात के बढ़ जाए 12:30, और ये देखो हमारा टाइम, मैं आपको दिखाऊं टाइम, देखो 12:28 जूम कर देंगे। तो भाई अभी अपन ले रहे हैं यहाँ से अंदर गाड़ी, तो भाई देखो अभी अपन जा रहे हैं अंदर। तो भाई ये सीन, हम चलते जा रहे हैं भगवान का नाम लेके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश शत्रु लोक उजागर राम दूत अतलित बल जावान जने पुत्र पवन सुत नामा। तो भाई हनुमान चालीसा अपन ने पढ़ लिया भाई, बड़ी स्पूकी सी। तो ये देखो भाई क्या रास्ता है भाई, बड़ा भयंकर और बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है भाई, मेरे को अभी से ही डर लग रहा है भाई। मुड़ गया भाई, भाई अंदर गया रहा भाई, वापस चल ले क्या है भाई। हाँ कुछ भी दिख जाए ना किसी को, क्योंकि भाई यहाँ की मान्यता है कि भाई यहाँ पे ना एक लेडीज घूमती है जो लाल कपड़े साड़ी पहन के ना छत पे बैठती है। और दूसरा यहाँ पे ना दो अफवाहें की, और दूसरे चार आदमी दारू पीते हुए दिखते हैं, या तो वो घर के अंदर पी रहे होते हैं या घर की छत पे पी रहे होते हैं। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा भूत दिखता है। और जिस हवेली में जा रहे हैं इसका अपन ने ना दिन में अपन ने शूट करा था, दिन का इसका हमने शूट कर रखा है, तो अगर आप लास्ट वीडियो मैंने दिन की डाली है, और अब अपन आ रहे हैं रात को यहाँ पे। भाई एक ही पेड़ है उस घर में, ये देखो जो ऊपर खड़ा हुआ है नारियल का, वो भूत भाई। मेरे को तो नेगेटिव वाइब्स आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, क्या करें, चले क्या या नहीं चले भाई, देखो जान की, क्योंकि हम घर से भी दूर है भाई, ऑलमोस्ट हम आ गए हैं भाई। देखो हम ना यहाँ के लोकल नहीं है, समझ रहे हो, हमारा घर इतनी दूर है ना, तो बिखर जाएंगे हम सारे, किसी को देख लिया तो, कोई लोकल भी नहीं है भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है हवेली में लाइट सी जल रही है, बट हवेली देखो भाई वो रहा जीपी ब्लॉक। तो रात को 12:30 12:31 पे हम आ चुके हैं जीपी ब्लॉक भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। बस हवेली पे पहले देखना कोई ऊपर बैठा ना हो भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। सो भाई सीन ऐसा है, तो वो रही हवेली और ये रही हमारी गाड़ी है, देखो। ओ भाई इतने मच्छर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं यहाँ का माहौल। और ये है गाइस जीपी ब्लॉक, और अभी हो रहे हैं 12:30 जो हम आए थे यहाँ। तो एक बारी फरमान पीछे ना लाइट मार मार के चेक करता रही हो, तो आ जाओ अंदर चलते हैं इसमें 150 साल पुरानी हवेली जिसमें काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। ये देखो चप्पल पड़ी हुई है किसी की उल्टी, ये देखो हवेली देखो भाई। तो भाई ये देखो हवेली इतनी पुरानी हो गई है कि अब टूटने लगी है, बिखर के गिर रही है। तो अब फरमान चल रहा है आगे, देखते हैं क्या होता है, क्या दिखता है यहाँ पे। तो ये देखो एक रूम ये रहा। हेलो कोई है ऊपर की दीवारें देखो छुपकली है। आ जाओ, यहाँ गेम करना मना है, ये देखो पहले ही लिख दिया गेम करना मना है। इसका मतलब क्या है ये मेरे को पता नहीं। चार्ली चार्ली भाई, अगर इस वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज हो गए तो चार्ली चार्ली भी खेलेंगे। एक रूम ये है इसका, चीटियाँ बहुत होंगी नितिन भाई, देख लो ये देखो कितनी सारी चीटियाँ। ये भी दीवार है ना चिनवाई है, रिपेयर करा है ये देखो, ये रात में जैसे कि कोई आए ना। और वो देखो गेट भी चलवा दिए, गेट इधर भी
भाई जी मैं वही देख रहा हूँ जो हम देखने आए हैं वो कब दिखेगा हमें। तो भाई अभी अपन आ गए हैं अंदर, पहले इस रूम में चल देखते हैं क्या है। और दीवारें भाई ठोस पुरानी हो चुकी हैं, ये देखो मिट्टी की दीवारें हैं। कुछ है ऊपर देखना कितनी ऊपर ऊपर दीवार है, और सब में ना पेड़ आ गए हैं और सब में चिन्नियाँ हैं। वो देखो भाई चिन्नी क्या कहते हैं वेंटिलेशन के लिए है। आज भाई अभी तक मेरे को ना कुछ लगा है यहाँ पे, ना डर लगा है, सबने मोता हुआ है देखो दीवारों के दोनों पे, वहाँ पर लोग आते हैं। चलो भाई अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर देखते हैं क्या है। अपन ऊपर चल रहे हैं, ये देखो भाई कितनी ऊँची ऊँची दीवार है, कोई भी नहीं है। हनुमान चालीसा देखो किसने लिखा रखा है। आ जाओ इधर आओ रूम में आओ एक बार, वही जो दिन में दिखाई थी। हाँ दिन में जैसे दिखाई थी वैसी है, किसी ने डॉल बना रखी हो शैतानी डॉल सी। वो देखो वो क्या बना रखा क्या चित्रकला चित्रकला क्या बना रखी है। तो ऊपर का देखो ये स्ट्रक्चर पूरा टूट चुका है, इसका मतलब 150-200 साल पुरानी हो गई है। ये देखो यहाँ पूरा मलबा पड़ा हुआ है। तो हमारी गाड़ी वहाँ है, वो देखो गाड़ी शाइन मार रही है, दिख रही है दे रही, वो हमारी गाड़ी है। फरमान जा रहा है आगे और नितिन भाई भी जा रहे हैं आगे। क्या हुआ सब ठीक है? और सामने का इस पूरा जंगल है सब टूटी हुई है पूरी हवा हवे, देख 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 फरमान इस पे भी शैतानी डॉल बनी हुई है, सेम ऐसी डॉल हर जगह बनी हुई है शैतानी डॉल। ये देखो क्या गंदे शब्द लिखे हुए हैं, और यहाँ भी लिखा हुआ है बहुत गंदगी। और यहाँ देख फरमान ये था, ये देख कमरा देख भाई पूरा हुआ आ चुका है, और गेट बंद कर रखा और लटे आ चुकी हैं पेड़ के है। तो भाई आवाज सुन सुनी आवाज आई थी ना तेरे को भी यही फरमान भाई, गाड़ी नीचे गाड़ी के पास से आई, लाइट मार लाइट मार लाइट मारो भाई दिख रही है कुछ, रुको रुको कहाँ नीचे चल के देखते हैं कुछ, नीचे चल के देखते हैं। ओ भागो मत होए अकेले रह जाऊंगा मैं, डर लग रहा है मेरे को भाई। आराम से भाई तुम गाड़ी के पास किसी को ब्लास्ट छू सा चुप चल रहे, चुप गाड़ी के पास देखते हैं आखिर क्या है भाई। फरमान किसकी आवाज थी वो, किसी ने मेरी गाड़ी का शीशा शीशा तोड़ दिया क्या? ओए देखो मेंढक क्या क्या ओ मेंढक भाई निकलते हैं भाई यहाँ से, ठीक नहीं लग रहा मेरे को भाई, गाड़ी स्टार्ट करो निकलो यहाँ से, ठीक नहीं है गाड़ी का शीशा कोई चटका वटका तो नहीं, नहीं आवाज़ पता नहीं कहाँ से आई थी। बैठ 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 निकलो भाई, ठीक नहीं लग रहा मेरे को यहाँ से, लाइट तो जलाओ कैसे भगा रहे हो। उफ तो भाई बोरी हवेली। तो भाई अभी अपन निकल गए, हम यहाँ से निकल रहे क्या जा रहा है भाई, लेकिन ये है कौन पता नहीं क्या है, भागो ओ भाई फिसल जाएंगे, ओ भागो क्या था ये, नितिन भाई फटाफट भागो भाई, मेरे को घर जाना है नितिन भाई, नितिन भाई भागो भागो मेरे को बस घर पहुंचा दो नितिन भाई। सो भाई सीन अभी ऐसा है, हम रुके हैं हाईवे पे भाई, हमने पता नहीं क्या देख लिया, मैंने कहा नितिन भाई गाड़ी रुकने नहीं चाहिए, सीधा दिल्ली जाके रुकनी चाहिए गाड़ी। भाई ये देखो ये साया बिल्डिंग है, ये जो गाजियाबाद में यहाँ के रुकी है अब गाड़ी, इससे पहले हमने गाड़ी कहीं रोकी ही नहीं, और ये हमारे साथ वही हुआ जिसका मेरे को डर था। जो कहानी इस पे लिखी गई है ना कि भाई औरत दिखती है, वो सही में दिखती है गाइस, और हम सब ने देखी, और लाल कलर की वो औरत ही थी शायद है, गलती भी हो सकता है वो सिविलियन हो वहाँ का, उसका तो हो सकता है भाई, हमने गलत देख के वीडियो देखेंगे तो ही पता चलेगा उसको कुछ कैसा। अब घर जाके ना मैं उसको आराम से देखूंगा, एक बारी कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है यार वो क्या चीज़ थी वो।
तो अभी चलते हैं घर को, निकलते हैं, गाजियाबाद में खड़े हैं हम। तो चलते हैं भाई, ये देखो गाजियाबाद वाला हाईवे है और ये हमारी रोड है। तो चल के पहले कुछ खाते हैं, मैं ना थोड़ा डिप्रेस हूँ, गाने सुनते हैं तब जाके मेरे को ठीक लग रहा है। तो भाई अभी अपन आगे सीएनजी भरवाने, तो भाई दिल्ली से हम फुल करवा के निकले थे और अब जाके खत्म हुई है। नाना करते हुए ज्यादा नहीं चली, 150 किलोमीटर चली है। तो सीन अभी ऐसा है भाई, हमारी सीएनजी की हमने एवरेज लगाई करीब 90-90, 180 होते हैं, तो 180 किलोमीटर चली है भाई हमारी सीएनजी में, जिसमें मैंने जाते वक्त तो भाई 160 पे चलाई है और नितिन ने आते वक्त स्लो चलाई और जस्ट अभी 2 किलोमीटर पहले खत्म हुई है। ठीक है यार, 180-185 कोई बुरा नहीं है भाई, काफी अच्छा। भाई अभी जा रहे हैं अपन निजामुद्दीन खाने, ठीक है, तो सबको भूख लग रही थी, मैंने भाई निजामुद्दीन चलते हैं, देखते हैं भाई नॉन वेज इनके लिए कुछ। 3:30 बज गए, 3:30 बज गए, मैंने तो खा रखा है, ये खाते हैं अपन, चलते हैं निजामुद्दीन। आज का दिन ठीक है, सही टाइम पे निकले, सही टाइम पे आ गए। बट भाई एक चीज मैं बोलूंगा, जो हम ये कर रहे हैं या यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि कोई इसको देख के ना इन्फ्लुएंस ना हो भाई, बहुत खतरनाक चीज है भाई जिंदगी ना, जो कि हमें डालनी पड़ती है। देखो वहां कोई भी नहीं था, अब मान लो वो तो अच्छा है, चलो भूत वूत दिखा या क्या था वो अभी तक समझ नहीं आया, बट चोर चकार ये डाकू डकैत तो नहीं मिले भाई। कामा कोई हमारा गला काट के ले आता, हमारा सोना वोना गाड़ी वाड़ी चुरा के ले आता, तो कैसा लगता है अभी नितिन भाई? भाई तो सेफ नहीं होता समझ लो, हाँ तब ज्यादा इशू हो जाता। आप तो खैर हम तो 3 ही लोग हैं, वो भी दिल्ली के हैं, मैंने पता है ना, तो मैप के भरोसे चल रहे हैं, मैप यहाँ दिखाया तो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जाएंगे। तो सीन पता है क्या, मेरा हमेशा ये रहता है भाई, साला भूत दिख जाए लेकिन नशेड़ी ना दिखे, स्नेचर ना दिखे, क्योंकि स्नेचर से ना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चीज छीन वीन ले जाएगा, समझ रहे हो? भूत तो क्या ही उखाड़ पाएगा, क्या छीनेगा वो, पैसे छीनेगा मेरे, मेरी टोपी छीनेगा, क्या करेगा भूत, टोपी पहनेगा मेरे। तो भाई अभी अपन आ गए हैं कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे आज पता नहीं पुलिस वालों ने बंद करा दिया। बंद कैसे हो गया जल्दी? अच्छा, पुलिस वाले भाई कमाई नहीं करने दे रहे लौंडों को, ये देखो बस सर्विस तो ये आ गया। नितिन क्या कह रहे हो नितिन भाई? भाई रिपोर्ट तो मेरे को खराब लग रही है, बकरा इधर हर जगह बकरा ही बकरा दिख रहा है, मेरे से ना खाया जाएगा भाई, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई पंडित है। ये देखो भाई हर जगह बकरा बकरा। तो भाई ये देखो भाई पूरा ये अभी लेने गया है, अभी अपने लिए ले रहा, मैं नहीं ले रहा। ओ भाई बकरे कितने बड़े बड़े हैं भाई नितिन भाई, भाई बकरे कितने कितने के मिलते होंगे ऐसे? बकरा खड़ा, हाँ अच्छी अच्छी क्वालिटी है, 50-60 हज़ार के हैं। और वो जो दो खड़े हैं वहाँ पे बिकने के लिए खड़े, हाँ ये सब तेल के लिए। तो भाई सीन ऐसा है, फरमान अकेला खाने चला गया, मेरे से और नितिन भाई से तो खाया नहीं जा रहा यहाँ पे, तो अपन तो घर पे आके मैगी बना के खाएंगे भाई, मैगी खाएंगे भाई, वही बढ़िया। हाँ यार, पर मेरे को ना बहुत बुरा लगा यार, बंदे कान वान खींच रहे हैं यहाँ पे भाई, मैं अब जैसे ये बंदे इतने पाल रहे हैं बकरे, इतना बड़ा करके बेच देते, काट देते, अब भाई मैं इतने डॉलर को रख रहा हूँ या ये इसके शिशु मानू को रख रहा है, तो मैं से काट पीट लोगे भाई? मैं उसको बांधता तक नहीं, अपने घर पे बैठ कर सुनाता हूँ अपने साथ। तो यही है भाई, अब देखो नो कमेंट्स है ना, जिसकी जो धर्म है जो चीज़ है मैं उसमें कुछ बोलूंगा नहीं, बट मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो भाई फरमान आ गया अभी खा पी के, कैसा था खाना भाई? भाई बहुत टेस्टी था, गालिब का खाना, गालिब का था। तो भाई हम दोनों तो भूखे रह गए, हमें तो खाना ही नहीं मिल पाया, अपन जा रहे हैं घर, मम्मी ने कुछ बना के रखा है वो खाएंगे, तो अभी फरमान की स्कूटी बाइक किसकी बुलेट मेरे घर पे खड़ी है, तो चलते हैं घर पे। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर, और मैं आपको बस ना एक ही चीज बताना, तू है ना वीडियो बनाने गया था, क्या हुआ? अरे मम्मी पता है क्या, दिन में तो बिल्कुल ठीक था, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, आर्मी आर्मी वाले भी आए थे, खड़े रहे, बनवाए उन्होंने खुद खड़े होकर वीडियो बनवाई ताकि सेफ्टी, बट रात को ना हमें जाते वक्त ना कोई दिखा वहाँ पे, है सच्ची में दिखा? हाँ हाँ, आप वीडियो देखना। तो गाइस मैंने तो पूरी फुटेज ना एकदम पॉज करके स्लो मोशन करके देखी, आप भी एक बार स्लो मोशन करके देखना। जहाँ तक मेरे को डर लगा भाग के आगे, जब तो मेरे को पता है क्या लग रहा है, या तो कोई सिविलियन है या सही में कोई भूत है, मैं कंफ्यूज हूँ। एक बार आप मेरे को ना कमेंट करके बताना कि कोई नॉर्मल आदमी था क्या था, अब नॉर्मल आदमी लाल साड़ी पहन के तो जाएगा नहीं, तू ऐसी जगह मत जाया कर, मेरे को डर लगता है। अब वो ये गाइस एक बार कमेंट करके बताओ, और जो ये मेरठ का जो जीपी ब्लॉक है ना, आप इसको नेट में सर्च करोगे ना, इंडिया की टॉप 300 प्लेस में आता भाई ये जीपी प्ले, जीपी जो भी है मेरठ में जो है भाई, बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और इसकी कहानियां बहुत सही है। तो भाई एक वीडियो के एंड में एक छोटा सा मैसेज दूंगा भाई, इसको कोई भी ट्राई नहीं करना जाने की, समझ रहे हो, क्योंकि सेफ नहीं है गाइस। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में ना मैं चाहता हूं आप ऐसी कोई मिस्टीरियस प्लेस मेरे को कमेंट्स में बताओ, कौन सी जगह क्या है, वहां पर जाके शूट करें, ठीक है? तो एक बार कमेंट करके बताओ कि अपने को नेक्स्ट शूट कहां करना चाहिए। तो मिलते हैं आप सभी को, और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, ये मेरे यूजर आईडी, मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए, और वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, इतनी मेहनत से बनाते हैं।